वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्या है जी? आपको 3.4 में सीखना पड़ेगा आपको, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब पढ़ोगे आप एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ोगे जी? एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले समझो आप एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है जी एक चीज को एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। जैसे दो वेरिएबल होते हैं आपके पास एक्स और वाई, एक को एलिमिनेट कर दो, एक को हटा दो, तो सिर्फ क्या क्या बचेगा? वाई। अपने आप आंसर निकल जाएगा आपका। तो करना कैसे आपको इसके अंदर, छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही करके देख लेते हैं जी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा जी। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से सोल्व करना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद ट्राई करेंगे जी, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा आपके पास। आपके पास दिया हुआ जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब करना आपको एलिमिनेशन मेथड। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जी, आपके पास एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल कौन है? वाई। अगर आप एक्स को एलिमिनेट कर दोगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास है? वाई की। और अगर आप वाई को एलिमिनेट कर दोगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास है? एक्स की। ये बात कन्फर्म होगी आपके पास कि अगर एक्स को एलिमिनेट करोगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? वाई की। और वाई को एलिमिनेट करोगे तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी जी? एक्स की। अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं कैसे। मान लो आपको एक्स को एलिमिनेट करना है जी, किसको एलिमिनेट करना है? एक्स को। तो एक्स के कोफिशियंट इक्वल कर लो जी, एक्स के क्या कर लो? कोफिशियंट इक्वल कर लो। अगर एक्स को एक करना है एलिमिनेट तो एक्स के कोफिशियंट इक्वल कर लो, वाई को करना है तो किसके कर लो जी? वाई के कर लो। अब कोफिशियंट का क्या मतलब हुआ? देखो इसके आगे एक्स के आगे कुछ नहीं है तो कितना है जीवन, यानी ऊपर वाले का कोफिशियंट कितना? एक। और नीचे वाले का कोफिशियंट कितना है? दो। नीचे वाले का कोफिशियंट कितना है? दो। आप जोड़ नहीं सकते, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद टू। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? टू के साथ। तो नई इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? टू एक्स मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन को टू के साथ करा, टू को एक्स के साथ करोगे तो टू एक्स, टू को वाई के साथ भी करोगे तो क्या होगा? टू वाई। और टू इधर भी मल्टीप्लाई को सब के साथ मल्टीप्लाई को इधर क्या आ जाएगा? टेन। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास है? थर्ड बन गई कि नहीं बन गई? टू से मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ आ गया? टू से ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? टू। तो यहाँ भी कितना बनाना था? टू बनाना था। तो वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो टू बनेगा? टू से मल्टीप्लाई। आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, ये थी सेकंड इक्वेशन। सेकंड में तो कोई चेंज किया ही नहीं हमने, फर्स्ट इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट भी टू एक्स, इसका भी कोफिशिएंट टू एक्स, ये प्लस का, ये किसका है? प्लस का। तो माइनस कर दो, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करोगे तो ये माइनस, ये किसका हो जाएगा? प्लस। ये किसका हो जाएगा? माइनस का। टू एक्स में से टू एक्स गया। अब बताओ ये टू वाई और ये प्लस का थ्री वाई, तो कितने हो गए? फाइव वाई। इधर बताओ कितना बचेगा? टेन माइनस फोर करोगे कितना बचेगा? सिक्स। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिक्स बाय फाइव। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? सिक्स बाय फाइव आई। यहाँ तक कोई क्लियर आपके पास? ठीक है जी, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास सिक्स बाय फाइव। अब हमें एक्स की वैल्यू और निकालनी है। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अब की बार किसको एलिमिनेट करो? वाई को। इक्वेशन तो ये थी। अब देखो वाई को एलिमिनेट करोगे तो सेकंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट कितना है? थ्री। फर्स्ट में कितना है? वन। तो सेकंड अब की बार वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? थ्री से। समझ आ गया? तभी तो वाई का इक्वल होगा, यहाँ वन है थ्री चाहिए हमें। तो लिख लोगे आप मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद थ्री। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? थ्री से। तो करो हर एक एलिमेंट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, थ्री एक्स थ्री वाई फिफ्टीन, थ्री की फाइव से मल्टीप्लाई करोगे फिफ्टीन। सेकंड इक्वेशन बताओ क्या थी आपके पास? टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, ये थर्ड बन गई थी, ये फोर्थ बना लो। और ये कौन सी इक्वेशन थी आपके पास है? सेकंड। अब देखो
ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y कब कटेंगे, जब दोनों को जोड़ दो, प्लस का 3 माइनस का 3 को। अब अगर घटाओगे ना तो ये फिर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6y हो जाएंगे, तो हमें y हटाना है यहाँ से। तो ये प्लस का 3y, जो माइनस का 3y सीधा जोड़ दोगे तो ये तो कट ही जाएगा। 3x और 2x को जोड़ोगे तो कितना, 5x और 15 और 4 हो जाएंगे 19। एक्स की वैल्यू बताओ जी क्या हो जाएगी, 19/5। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल गई। तो जैसे हमने किया था, ये भी एक मेथड है जिसका नाम एलिमिनेशन, वो है जिस सब्सटीट्यूशन। इनको दोनों मेथड से निकालना था, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कर मेथड आप सब्सटीट्यूशन इसमें खुद ट्राई करा होगा। और एक जगह देखिए, और देख पहला फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देख, पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा जी क्या कह रहे हैं। 3x + 4y = 10 है जी, याद रखा है सेकंड पार्ट में आपके पास है। 3x + 4y = दिया हुआ 10। आगे 2x - 2y = 2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो एक बार अगर हम x को इक्वल करेंगे, अब x के कोफिशियंट को इक्वल करेंगे तो ऊपर x का कोफिशियंट कितना है, 3, नीचे कितना है, 2। क्या 3 और 2 में कोई चीज कॉमन होती है जी? कुछ नहीं होता 3 और 2 में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाली इक्वेशन को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशियंट कितना है, नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशियंट है 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली इक्वेशन के कोफिशियंट से, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ। ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन को एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद या बाय, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे वाली को ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशियंट कितना है, 3। ऊपर वाली इक्वेशन का कोफिशियंट कितना है, 3। तो नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। ऊपर वाले किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, अगर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6x हो जाएगा। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x × 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये सबसे आसान तरीका। अगर नहीं समझ आ रहा कि किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो करो मल्टीप्लाई। क्या बनेगी आपके पास से, 6x। फिर 4y को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8y। फिर 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 20। ये इक्वेशन होगी। नीचे वाले को 3 से करो, 3 × 2x कितना हो जाएगा, 6x। माइनस 3 × 2y करो, माइनस का 6y, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, करिए ये बात। अब देखो, अब कर दो जी, ये प्लस का दोनों सेम साइन हो तो घटाओ, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, फिर प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कट गया, 8y - 6 + 6y करोगे तो कितना हो जाएगा, 14y। और 20 - 6 भी कितना होता है, 14। तो y की वैल्यू बताओ, 14 डिवाइड में चले जाएगा 14/14 कितना हो जाएगा, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1। यहाँ तक क्लियर है आपके पास। अब हमें x की वैल्यू चाहिए जी, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, देखो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि y का देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 4। तो नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ वाई का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो तो है ही है, वो तो तरीका है ही है। लेकिन एक तरीके से और भी हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2y को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते तो कितना बन जाएगा, 4y। तो सीधा बन जाएगा वहां पे। तो यहाँ लिख दोगे सिंपल, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4y = इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। ये थी आपके पास थर्ड इक्वेशन, ये थी फोर्थ इक्वेशन, तो ये बन जाएगी आपके पास फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन बताओ क्या थी, ये यूं की यूं लिख दो, 3x + 4y = 10। ये होगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ 4y माइनस का, यहाँ प्लस का, जब दोनों अपोजिट निशान है तो सीधा जोड़ दो, तो 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 7x। ये तो कट ही जाएगा, 4 - 10 करो तो कितना बचेगा जी आपके पास, 4 और 10 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा जी, 14। हमें x की वैल्यू चाहिए, 14/7 करोगे कितनी आ जाएगी, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है,
टू। तो ये था जी आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आई होप आपको समझ आया होगा जी। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है अगर x को एलिमिनेट करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y को एलिमिनेट करोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब देखो जी आगे क्या कर रहे हैं। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट पे। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा जी, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखिएगा जी, क्या दे रखा आपको, थर्ड दे रखा आपके पास 3x- थर्ड पार्ट कर रहे हैं जी हम, 5y-4 = 0 ये दे रखा है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन दे रखी आपके पास है 9x = 2y + 7 क्वेश्चन। तो पहले सिंपल फॉर्म में बना लो इसको, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड रखो, वेरिएबल एक साइड रखो। तो ये क्या होगा 3x - 5y, इस 4 को इधर उठा ले जाओ, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वेशन 1 तैयार हो गया। ये बताओ, ठीक है ये बताओ जी 9x - 2y को इधर उठा ले तो माइनस का 2y = इधर कौन बैठा रहेगा, 7 की सेकंड इक्वेशन होगी। यहां तक कोई डाउट? अब हमें क्या करना होगा जी, अब हमें मान लो x को एलिमिनेट करना है, x के कोफिशियंट बराबर होना चाहिए। यहाँ x का कोफिशियंट कितना है 3, यहाँ x का कोफिशियंट कितना है 9। तो 3 और 9 एक दूसरे टेबल में आते ही नहीं आते, 3 × 3 = 9 होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो कितना हो जाएगा ऊपर 9x हो जाएगा, नीचे 9x आई, बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 3 के साथ करो जी, कितना हो जाएगा 3 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 9x, फिर 5y की भी 3 से मल्टीप्लाई करनी है 15y, फिर इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में कोई चेंज करना ही नहीं आपको, क्योंकि नीचे तो है ही आपके पास ऑलरेडी 9x - 2y - 7। ठीक है जी, हमने ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि इक्वल हो जाए, इसके टेबल में आता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप ये भी कर सकते थे, ऊपर वाले को 9 से करो, नीचे वाले को 3 से करो, ऊपर वाले को 9 से करते तो 27 हो जाता, नीचे भी 27 हो जाता, आंसर सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी बन जाती, इसलिए छोटा कर दिया जी। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। तो ऊपर वाले को 3 से किया 9x - 15y = 12, नीचे वाले की वैल्यू लिख दी। अब देखो ये x का यहाँ भी 9x+ का, यहाँ भी 9x+ का, तो अब माइनस करना पड़ेगा, जब दोनों सेम साइन हो तो प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कट गया जी, ये माइनस का 15y, ये प्लस का 12y, तो कितने बचेंगे जी -13y, और 12 - 7 करोगे तो 5 बच जाएगा। तो y की वैल्यू बताओ, इस माइनस को इधर लिया तो माइनस के 5y कितनी आ जाएगी 13, y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 5y = 30। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा y की वैल्यू कैसे निकली जी। y की वैल्यू आ गई आपके पास है -5/13। अब हमें x की वैल्यू और चाहिए थी, x की वैल्यू के लिए किसको एलिमिनेट करोगे, y को एलिमिनेट करोगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए खुद सोचो, ऊपर वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, ऊपर वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 5, नीचे वाले में कितना है 2, तो क्या एक दूसरे के टेबल में आते नहीं आते, 2 × 2 = 4 होता है, फिर 2 × 3 = 6 हो जाता है, 5 तो नहीं आया ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नीचे वाले का ऑप्शन कितना है 2, ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन क्या बनेगी, अगर 1 को करोगे तो क्या बनेगी बताओ जी, 6x - 5 × 2 करोगे 10y = 4 × 2 कितना हो जाएगा ये। इसी तरह मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर वाले का ऑप्शन कितना है 5, तो मल्टीप्लाई नीचे वाले को करोगे, लिख लोगे जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/5 किसके साथ, 5 के साथ करो जी, 5 × 9x किया कितना है 45x, माइनस 5 × 2 करोगे तो 10y = 5 × 7 कर दिया 36। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 45x आ गया, 10y आ गया 35 का, ऊपर वाले को हमने 2 से किया तो 6x 10y = 8 आ गया। ठीक है जी, हमने देखो
ऊपर वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस, ये आपकी ये वाली ये बन गई थी फोर्थ बन गई, ये फिफ्थ बन गई, ये सिक्स्थ बन गई। वैसे तो ये सेकंड इक्वेशन थी ना आपकी, तो ये होगी आपके पास फोर्थ इक्वेशन और ये होगी आपके पास फिफ्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ आपकी 6x-10y = 8। ये फोर्थ इक्वेशन वापस लिख दीजिए आप, क्योंकि माइनस या प्लस करना पड़ेगा। अब देखो 10y - 10y - दोनों सेम साइन, तो क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये किसका हो जाएगा माइनस, ये किसका हो जाएगा प्लस, ये किसका हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। 45x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा जी आपका होगा 39x। ठीक है, 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा बोलो जी 37। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 37/ कितना आ जाएगा 39। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37/39। ठीक है, तो देख लो अगर ये कट रहा हो आपका तो, ठीक है कट रहा हो तो आप चेक कर सकते हो। 3x-5y = 4 था, 9x-2y = इतना था जी। हमने ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 6x बन गया -10y = 4, 2 8 हो गया। नीचे वाले इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 45-10y = 35। ठीक है जी, अगर हम 6y-10y = 8 अगर यहाँ से घटाएंगे आपसे तो क्या बचेगा 45, ये तो कट ही जाएंगे आपके, 45 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 39। ठीक है, यहाँ देखो जी 35 चला गया और 3 और चलेगा 37, x की वैल्यू आ गई आपके पास है 27/9। ठीक है, 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपके पास है, सॉरी इसके लिए 27/9 39 बचेगा 27/39। अब ये कट रहा है जी आपका 3 से, 3 9 जाए कितना होता है 27 और 3 बन जाए 3 3 9, आंसर कितना आ गया 9/13। ये कैलकुलेशन मिस्टेक से ध्यान रखना, 35-38 करोगे तो 27 बचेगा, तो 27 डिवाइड में चला गया आंसर कितना आ गया 9/13 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो जी क्या करें। फोर्थ पार्ट में देखो जी क्या दे रखी क्वेश्चन आपके पास, एक्स अपॉन फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक्स अपॉन 2 + 2y / 3 = -1। एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। दूसरी बताओ, x - y / 3 = 3, ये दे रखी है, ये दे रखा है ना आपके पास। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इसको सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। सिंपल फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ से एलसीएम ले लोगे दोनों का, एलसीएम लेना नहीं आता, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा जी 6 आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो जी, 3 × x करोगे कितना आ जाएगा 3x + 2 × 2y करोगे 4y = किसके -1 के। जिन बच्चों का एलसीएम लेना आता है वो सीधा कर सकते हैं, 3 × 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 उनको पता है, डिवाइड करोगे वापस कितना आएगा 3 के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 × 1 है 3 आ जाएगा एलसीएम, ऐसे मल्टीप्लाई करो 3x और 1 की y के साथ मल्टीप्लाई करो -y = 3। यहाँ तक कोई डाउट आपको, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पोन को 1 है, यहाँ पोन कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 3x + 4y = 1, -1 × 6 करोगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ तो ये इक्वेशन बन गई एक आपके पास। ठीक है, यहाँ से अगर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 3x - y = 3, 3 का कितना हो जाएगा 9, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। लो हो गया ये, तो यहाँ तो एक्स ऑलरेडी इक्वल है आपको, एक्स क्या जी आपको ऑलरेडी इक्वल है कि नहीं है, तो अगर आप यहाँ से ऑलरेडी इक्वल है तो घटाओगे आप यहाँ से, कर दो जी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का दोनों सेम साइन है, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा ये किसका हो जाएगा माइनस का, बताओ जी 3x में से 3x गया, 4y और 1y कितना हो गया 5y, कितना हो गया जी 5y। ठीक है, बोलिए यहां से
आगे ये बताओ, ये माइनस का 9, ये माइनस का 6, तो माइनस से कितने हो गए 15। वाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ देख लो, 3x-3x 0 हो गया, 4y और 1y और हो गया 5y हो गया, माइनस के 6 और माइनस के 9 माइनस के 15 हो गए, y की वैल्यू 5 डिवाइड में चला जाएगा 15 को, अगर 5 से डिवाइड करोगे 3 आगे निशान माइनस का तो माइनस आएगा, यहाँ तक करिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इक्वेशन क्या थी आपके पास, इक्वेशन तो ये थी ना, 3x+4y = -6, 3x-y = 9, ये थी। अब आप क्या काम करोगे जी, अब यहाँ 4y है, वाई का एलिमिनेट करोगे, यहाँ भी कितना चाहिए हमें 4y चाहिए, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, करोगे क्या आएगा बताओ, पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पहले ही बैठा है, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा 12x-4 × y करोगे 4y, 9 × 4 करोगे 36, पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये माइनस प्लस के नहीं थे जी, पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये थी ना आपके पास, तो 4 12y-4y और 9 × 4 36, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। पहले इक्वेशन क्या और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x+4y = -6, ये मत ले लेना ये, तो यही हमने इंटरचेंज कर लेना, बाकी दूसरी बची इक्वेशन कौन सी है, 3x+4y = -6। अब क्या करो जी ये बताओ, ये माइनस का ये प्लस का दोनों अपोजिट साइन है, सीधा जोड़ दो, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15x, 36 - 30 करोगे कितना बचेगा 30, एक्स की वैल्यू बताओ 30 डिवाइड में चला जाएगा, तो 15 डिवाइड में चला जाएगा तो कितनी आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी जी 2। तो आई होप आपको समझ आया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए हमने, अगर आपको समझ आया हो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे जी, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, क्वालिटी कैसी है आपकी, ठीक है जी, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।